हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो हम समतल का आगे का चैप्टर बताने वाले हैं दोस्तों। तो इसके पहले दोस्तों हमने एक वीडियो बना चुका हूँ जो हमारा इंट्रोडक्शन के ऊपर था, जिसमें सूत्र वगैरह बताया गया है, न्यूमेरिकल बताया गया है। अगर जो जो दोस्त वो वीडियो ना देखा हो उनके लिए डिस्क्रिप्शन, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम सूरज आर्य और आप देख रहे हैं डिप्लोमा स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सिर्फ आज हम इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रश्नावली दिया है क्वेश्चन दोस्तों, वो कुछ ज़्यादा लेंथी दिया क्वेश्चन और बेकार भी क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन नहीं रहता। तो जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को आज हम यहाँ पे हल करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको दिख रहा होगा, उदाहरण नंबर 37 के रूप में यहाँ पे लिखा है, एक समतल जिसका केंद्रक, यहाँ पे जिस एक समतल जिसका केंद्रक कितना दोस्तों ए बी सी है, निर्देशांश अक्षों को क्रमशः पी क्यू आर बिंदुओं पर काटता है। ओके, निर्देशांश अक्ष मतलब यहाँ पर दोस्तों बोला जाए तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, अक्षों को क्रमशः पी क्यू आर बिंदुओं पर काटता है। समतल पी क्यू आर का समीकरण ज्ञात करना हमको। ओके, अब देखिए आपको यहाँ पे तीर दिख रहा होगा, ये हमारा एक निर्देशांश है वो जो कि जेड एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये दोस्तों क्या है एक्स एक्सिस। ओके, यहाँ पे पी पे कट रहा है, ये क्यू पे कट रहा है, ये आर पे कट रहा है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा है, अब ये जो दोस्तों यहाँ से ये आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, ये जा रहा है, ये रहा, इस प्लेन का, इस समतल का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ओके, ये हमारा केंद्रक है जिसका हमारा निर्देशांक दिया हुआ दोस्तों यहाँ पे ए बी सी। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है, जब इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन दिया हो तो हमें द्विघन अनुपात के रूप में यहाँ पे ये समतल का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनता है। ओके, यहाँ पर बनता है एक्स अपान पी प्लस में वाई अपान में क्यू प्लस में वाई जेड अपान में आर इक्वल टू वन होता है। ओके, इतना होता है हमारा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या, समतल पी क्यू आर निर्देशांशों को क्रमशः पी बिंदु पे काटता है, तो जो पी बिंदु पे काटा उसका जो निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पी कामा जीरो जीरो, क्योंकि जो ये दोस्तों यहाँ पे एक्स पे वाई और जेड दोनों जीरो हो जाएंगे। उसी प्रकार क्यू पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक्स जीरो हो जाएगा और यहाँ दिख रहा होगा आपको क्यू पी एक्स जीरो हो जाएगा और वाई जीरो जेड जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू वाई क्यू एक्स वाई सिक्स पे यहाँ पे क्यू बिंदु पे क्यू हो जाएगा इसके निर्देशांक। ओके, ओ क्यू जीरो जीरो क्यू जीरो। ओके, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों क्या, इसी प्रकार से इसमें एक्स एक्सिस जीरो हो जाएगा, वाई एक्सिस जीरो हो जाएगा, मतलब क्या हो गया यहाँ पे जीरो हो गया और कामा में दोस्तों यहाँ पे वन हो गया। ओके, सॉरी आर हो गया, तो इतना हो गया। अब देखिए क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो केंद्रक दिया हुआ था हमें, अतः त्रिभुज पी क्यू आर के केंद्रक के निर्देशांक, यहाँ पे जो हमारा केंद्रक है दोस्तों यहाँ पे इसका निर्देशांक ज्ञात करते हैं। ओके, अब देखिए इसका जो निर्देशांक हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हमारा यहाँ पे तीन बिंदु दिया हुआ, जैसे हमारा दोस्तों दो बिंदु होता था वहाँ पे हम दो बिंदु ऐड करके फिर दो से भाग दिया करते थे, तो यहाँ पे तीन बिंदु दिया, तीनों को ऐड करके तीन से भाग दे देंगे। ओके, तो मतलब एवरेज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स एक्सिस के लिए एक्स एक्सिस जो मान है वहाँ पे पी है, पी रख लिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस का मान जीरो है, यहाँ पे एक्स एक्सिस का मान कितना है दोस्तों जीरो है। ओके, तो पी प्लस में जीरो जीरो, ओके, प्लस अपान में कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा। ओके, प्लस में उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ वाई वाला मान ले लेंगे, यहाँ वाई वाला मान जीरो है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे दोस्तों जीरो है। ओके, यहाँ पे जीरो प्लस क्यू प्लस जीरो अपान में थ्री कितना हो जाएगा, उसी प्रकार से जेड के रूप में यहाँ पे ले लेंगे दोस्तों थ्री का, यहाँ पे प्लस प्लस रहेगा सब। ओके, ये प्लस में आ रहा है यहाँ पे, इतना हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों जब इन सबको हल करते हैं तो उस साइड दोस्तों यहाँ पे जो हल करने के बाद कितना बचेगा, इस साइड देखिए पी वाई थ्री बचा, क्यू वाई थ्री बचा और आर वाई थ्री बचा। ओके, अब दोस्तों जो केंद्रक दिया था हमें पहले से मालूम था, जो इसका केंद्रक है वो कितना है दोस्तों यहाँ पे ए कामा बी कामा सी, हमें तो पहले से मालूम है, लेकिन हम यहाँ पे इसकी थोड़ा पी क्यू आर के रूप में आप निकालना चाह रहे थे हमें ए बी सी का वैल्यू। ओके, तो जब दोस्तों यहाँ पे ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वाई थ्री हो जाएगा, मतलब पी वाई थ्री इक्वल टू ए या ए इक्वल टू पी वाई थ्री। ओके, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बी इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू वाई थ्री और सी इक्वल टू आर वाई थ्री, तो यहाँ पे पी का वैल्यू निकालेंगे तो थ्री ए हो जाएगा, यहाँ पे क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो थ्री बी हो जाएगा, आर का वैल्यू निकालेंगे तो थ्री सी हो जाएगा, तीनों का वैल्यू निकल गया। ओके, अब आगे देखते हैं दोस्तों क्या किया जाता है हमारा। जब दोस्तों यहाँ पे आपको पी क्यू आर का वैल्यू निकल है, तो आपको जो स्टार्टिंग में दोस्तों माने थे हम समीकरण एक्स अपान में ए प्लस में वाई अपान में वी प्लस में जेड अपान में सी इक्वल टू वो जो वन माने थे दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको पी क्यू आर का वैल्यू पुटअप कर देना है यहाँ पे, सॉरी ए बी सी का वैल्यू पुटअप कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे हमारा पी था, ओके, यहाँ पे मिस्टेक बताया, यहाँ पे पी क्यू ये आर रहेगा, ओके, ना कि ए बी सी रहेगा। ओके, तो यहाँ जब पी क्यू आर था तो पी क्यू आर का वैल्यू में निकल गया है, तो यहाँ पे पी इक्वल टू दोस्तों थ्री था, क्यू इक्वल टू थ्री बी था और सी इक्वल आर इक्वल टू यहाँ पे थ्री सी था। ओके, तो इन सबको रखने के बाद दोस्तों यहाँ देख रहे हैं नीचे हमारा क्या, थ्री कामन लेके यहाँ पे थ्री को मल्टीप्लाई दोस्तों इधर कर देंगे, वन में कर देंगे, तो यहाँ थ्री हो जाएगा, मतलब हो जाएगा जो समीकरण हो जाएगा दोस्तों एक्स अपान में ए प्लस में वाई अपान में बी प्लस में जेड अपान में सी इक्वल टू थ्री हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जब हमारा क्या दिया दोस्तों यहाँ पे एक
केंद्रित दिया हुआ और उसके दो दोस्तों उससे हमारा प्लेन बन रहा हो निर्देशांचों से, उसका हमें समीकरण ज्ञात करना हो तो कुछ इस प्रकार से समीकरण ज्ञात कर लेंगे। ओके अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो दो तलों के बीच का एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। ओके तो आप भी अगर पीछे वाला दोस्तों हमारा वीडियो देखे होंगे सरल रेखा वाला, तो उसमें दोस्तों सेम क्वेश्चन और सेम ऐसा ही था, दो रेखाओं के बीच का कोण निकालना था, तो सेम सूत्र भी ऐसे ही था। ओके तो यहाँ पर देखिए सूत्र क्या दिया हुआ दोस्तों, जैसे कि हमारा मान लीजिए एक प्लेन ये है ए वन एक्स प्लस में बी वन बी टू, यहाँ पे बी वन हो जाएगा। ओके यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी वन वाई प्लस में सी वन जेड प्लस में डी इक्वल टू जीरो। दूसरा दोस्तों जो प्लेन है वो ए टू एक्स है प्लस में बी टू वाई प्लस में सी टू जेड प्लस में डी इक्वल टू जीरो है। तो दोस्तों यहाँ पे थीटा निकालना है इन दोनों के मध्य का, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों ए वन इंटू ए टू प्लस में बी वन इंटू बी टू प्लस में सी वन इंटू सी टू। ओके अपन दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए वन का स्क्वायर प्लस में बी वन का स्क्वायर प्लस में सी वन का स्क्वायर, सबका योग करके एन रूट में डाल देंगे। ओके उसी प्रकार से यहाँ पे ए टू बी टू और सी टू का योग करके स्क्वायर करके योग करके एन रूट में डाल देंगे। ओके इन तो ये दोनों दोस्तों मल्टीप्लाई में रहेंगे, तो ये जो इसको हल करने में जो हमारे दोस्तों आंसर आएगा वो हमारा एंगल निकल गया। ओके कुछ ज़्यादा कठिन नहीं दोस्तों, अगर आप पीछे वाला वीडियो देखेंगे तो इसको आराम से इसके ऊपर का आप न्यूमेरिकल आराम से आप लगा सकते हैं। ओके तो दोस्तों यहाँ पे छोटा सा न्यूमेरिकल आपको दिखाना चाहूँगा इसके ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे दो तल दिया हुआ है, कहा है क्वेश्चन नंबर 40 में दो तल दिया हुआ है आपको और बोला इन दोनों के मध्य का हमें एंगल निकालना। ओके दोनों के मध्य का एंगल निकालना है, तो यहाँ पे कहा है दोस्तों जो थीटा हो जाएगा दोनों के मध्य का एंगल जो था वो थीटा मान लिया इन्होंने, फिर जब कॉस थीटा इक्वल टू दोस्तों हमें रख देते हैं यहाँ पे सूत्र जानते हैं ए वन इंटू ए टू प्लस में बी इंटू बी टू प्लस में सी वन इंटू सी टू अपान में ए वन का स्क्वायर प्लस में बी वन का स्क्वायर प्लस में सी वन का स्क्वायर। ओके अंडरवुड में रहेगा, फिर यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से ये सूत्र हो जाएगा। फिर यहाँ दोस्तों अगर हम ए वन का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पे जो एक्स की मल्टीप्लाई में रहेगा दोस्तों वो ए वन का वैल्यू, यहाँ पे जो एक्स का मल्टीप्लाई में रहेगा वो ए टू का वैल्यू। ओके ए वन इक्वल टू थ्री बी वन इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे जो वाई के मल्टीप्लाई में रहेगा दोस्तों फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो वन वन हो जाएगा, जो सेकंड वाले क्वेश्चन में रहेगा वो टू टू हो जाएगा। ओके यहाँ पे बी वन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस फोर, सी वन इक्वल टू दोस्तों प्लस में फाइव और दोस्तों इसी प्रकार से हमारे यहाँ पे ए टू इक्वल टू टू और बी टू इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे माइनस वन और यहाँ पे दोस्तों माइनस टू हो जाएगा किसका वैल्यू सी टू का वैल्यू। ओके यहाँ पे हमें डी वन डी टू का वैल्यू कोई चाहिए नहीं दोस्तों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ए वन डी टू और सी वन सी टू का सबका वैल्यू निकाल लेंगे। ओके उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जब पुटअप करते हैं सबको, यहाँ पे पुटअप करने के बाद दोस्तों हल जब हल करते हैं तो यहाँ पे जीरो निकल के आ रहा है, मतलब ये जो दोनों प्लेन्स है दोस्तों वो क्या है आपस में पैरेलल है। ओके इन दोनों के मध्य कोई एंगल नहीं है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हम कह दे रहे हैं अच्छा यहाँ पे जब यहाँ अच्छा दोस्तों जो जीरो आया था वो आया था यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ओके लेकिन हमें चाहिए सिर्फ थीटा, क्योंकि एंगल चाहिए ना, तो कॉस जो जीरो है अंश वो किसके कितने का वैल्यू है दोस्तों कॉस के फॉर्म में कॉस नब्बे अंश का वैल्यू यहाँ पे जीरो होता है। ओके तो थीटा जब दोस्तों यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा नब्बे हो जाएगा, तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि दोनों के आपस में लंबवत है, एक प्लेन ये गया है दोस्तों और एक प्लेन ये गया। अगर दोस्तों यहाँ पे थीटा इक्वल टू जीरो आता मतलब अगर यहाँ दोस्तों वन आ गया होता है साइड वन आ गया होता तो थीटा इक्वल टू जीरो आता, मतलब क्या होता है आपस में पैरेलल होते, अगर 90 आ गया तो ये आपस में क्या है परपेंडिकुलर है। ओके दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दिए हुए दो तलों की प्रच्छेदन रेखा से होकर गुजरने वाले तल का समीकरण। ओके दिए हुए दो तलों की प्रच्छेदन रेखा, जैसे दो तल दिया हो दोस्तों माना कि हमारा एक तल ये गया है एक तल ये गया है। ओके दो तलों की प्रच्छेदन रेखा, यहाँ पे प्रच्छेदन रेखा दोस्तों अगर हम कहना चाहें तो ये जो हमारे दोस्तों ये बिंदु है इस पर एक रेखा गया उस पर उस रेखा से होकर गुजरने वाले तल का समीकरण जो दोस्तों हो जाएगा हमारा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे यहाँ पे फर्स्ट हमारा तल का समीकरण है सेकंड तल का समीकरण। ओके तो इन दोनों को जब दोस्तों यहाँ पे हमारा मेन समीकरण आता है जो हमारा अभिष्ट समीकरण हो जाएगा वो हो जाएगा ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस में सी वन जेड प्लस में डी वन। ओके जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है प्लस में यहाँ पे जेड लैम्डा लगा के फिर सेकंड इक्वेशन डाल देना। ओके सेकंड समीकरण हमें यहाँ डाल देना इक्वल टू जीरो, ये हमारा हो जाएगा अभिष्ट समीकरण जो कि हमें ज्ञात करना था। ओके फ्रेंड्स ये कब होगा दोस्तों, जब दो तलों की प्रच्छेदन रेखा से होकर गुजरने वाले तल का समीकरण पूछे तो हमें ये वाला सूत्र लगा के हमें हल कर देना। ओके इसके ऊपर दोस्तों हम आप देखते हैं छोटा सा न्यूमेरिकल है उसको हल करते हैं जो कि पूछा भी गया 2009 में, आपको इसके नीचे जस्ट दिया हुआ दोस्तों समतल इतना और इतने की प्रच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल तथा इतने पर यहाँ पे देखा तथा इतने पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करना। ओके इतने पर लंब समतल का समीकरण ज्ञात करना हमें, देखिए यहाँ पे दो तल दिया दोस्तों इसके प्रच्छेदन रेखा से होकर गुजरने वाले तल का समीकरण हमें ज्ञात करना है, तो कुछ इस प्रकार से सूत्र होता है जैसे कि यहाँ आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा यहाँ पर पहला इक्वेशन प्लस में लैम्डा लगा के यहाँ पे सेकंड इक्वेशन लिख लेना। ओके इस तरह से लिखने के बाद दोस्तों इसको थोड़ा सा अगर हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, जब इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू लैम्डा हो जाएगा और यहाँ पे एक्स है। ओके तो एक्स प्लस में टू लैम्डा में एक्स का हम लेंगे तो वन प्लस टू लैम्डा हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पे टू वाई प्लस में यहाँ पे दोस्तों लैम्डा वाई हो जाएगा तो इसमें से वाई का हम लेंगे तो टू प्लस लैम्डा हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ सी वन जेड का हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों जो बचेगा हमारा यहाँ पे माइनस फोर और यहाँ पे
यहाँ माइनस में फोर बचेगा, यहाँ पे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव में, तो फाइव माइनस में फोर, फाइव लैम्डा माइनस में फोर इक्वल टू जीरो। ओके, इसको मान लेंगे दोस्तों समीकरण एक, यहाँ पे तक आपको दिख रहा होगा समीकरण एक मान लेते हैं इस वाले के क्वेश्चन को। ओके, अब जो दोस्तों दूसरा हमें तल दिया था यहाँ पे, कहा था समतल पर इतने पर लंब होकर गुजरने वाले और समतल इतने पर लंब है। जो दोस्तों यहाँ पे ये वाला समतल दिया था इस पे लंब है, जो कि हमारा इन दोनों की प्रच्छेदन रेखा से होकर गुजर रहा समतल, वो इस वाले तल समतल पे लंब है। ओके, जब इस पे लंब है तो इस वाले समीकरण को लिख के इसको समीकरण इक्वेशन नंबर दो मान लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस वाले जो हमारा यहाँ पे मेन समीकरण है ये वाला, इसमें सिर्फ हमें लैम्डा अगर ज्ञात हो जाए तो हमें पूरा आंसर मिल जाएगा। ओके, सिर्फ हमें लैम्डा ज्ञात करना है, जो कि हमारा ये समतल, ये वाला जो समतल है और ये वाला समतल, ये दोस्तों आपस में क्या है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर होने का यहाँ पर दोस्तों हम प्रतिबंध लगाते हैं, उसके बाद वहाँ से लैम्डा ज्ञात करते हैं, फिर इसमें वैल्यू रख दिए समीकरण एक में, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर का दोस्तों कंडीशन जो है आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर परपेंडिकुलर होने का प्रतिबंध जो होता है वो होता है ए वन इंटू ई टू प्लस में बी वन इंटू बी टू प्लस में सी वन इंटू सी टू इक्वल टू जीरो। ओके, ये दोस्तों सेम टू सेम यहाँ पे सरल रेखा में यही प्रतिबंध हुआ करता था, यहाँ पे प्लेन में भी यही सब प्रतिबंध। ओके, अगर आप दोस्तों सरल रेखा पढ़े तो आपको प्लेन बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सब कुछ जो सूत्र है अधिकतर प्लेन और सरल रेखा का एकदम सेम टू सेम सूत्र है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अब ए वन ए टू और बी वन बी टू का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो आपको दिखाना चाहूँगा ए वन ए टू बी वन बी टू का वैल्यू। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ए वन का वैल्यू जो हो जाएगा एक्स के मल्टीप्लाई में जो ए वन हो जाएगा, जो वाई के मल्टीप्लाई में वो बी वन हो जाएगा, जो जेड के मल्टीप्लाई में वो क्या हो जाएगा सी वन हो जाएगा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पे जो एक्स के मल्टीप्लाई में ए टू, यहाँ पे वाई के बी टू, यहाँ पे सी के दोस्तों सी टू। ओके, तो यहाँ पे सबका वैल्यू निकालने के बाद उसमें रखने के बाद दोस्तों ए वन ए टू प्लस में बी वन टू बी टू प्लस में सी वन टू सी टू इक्वल टू जीरो रखने के बाद दोस्तों अगर हमारा जीरो आ जाता है तो क्या है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन यहाँ पे हमें आएगा जीरो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमें लैम्डा का वैल्यू दिया नहीं है। तो यहाँ से सिर्फ हमें लैम्डा का वैल्यू निकालते हैं उस वाले प्रतिबंध से, फिर इस प्रतिबंध इस वाले समीकरण में आकर रख देते हैं, तो हमारा जो अभीष्ट समीकरण था, जो अभीष्ट समतल का समीकरण था, वो हमें ज्ञात हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने रखा है ए वन, दोस्तों यहाँ पे ए वन का वैल्यू वन प्लस टू लैम्डा, बी वन का वैल्यू वन फाइव है, यहाँ पे बी वन का वैल्यू दोस्तों यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ पे ए टू प्लस में लैम्डा, सॉरी ए टू प्लस में लैम्डा इंटू थ्री प्लस में सिक्स इंटू थ्री माइनस में लैम्डा इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू का सबका वैल्यू रखने के बाद जब हल करते दोस्तों इन सबको, तो यहाँ आ जाएगा सेवन लैम्डा प्लस में उनतीस इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ पे जब उनतीस को इस साइड भेजेंगे तो दोस्तों माइनस में उनतीस और लैम्डा इक्वल टू माइनस में उनतीस अपान में सेवन। अब दोस्तों लैम्डा का वैल्यू जो है समीकरण एक में रखने के बाद, जो समीकरण एक दिया होता है दोस्तों उसमें रखने के बाद जब हल करेंगे तो हमारा कुछ इस प्रकार से हमारा एक समीकरण प्राप्त होगा। ओके, थोड़ा सा उसको हल कर लेने के बाद यहाँ पे हल करना पड़ेगा, उसके बाद ये समीकरण प्राप्त होगा, जो कि हमारा जो अभीष्ट समीकरण अभीष्ट समतल का समीकरण हो जाएगा। ओके दोस्तों, वीडियो हो चुकी खत्म। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए दोस्तों, अगर आपने दोस्तों साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर कर लीजिए, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।